आज का टॉपिक है अपना मोटर के ऊपर एचपी क्यों लिखा हुआ होता है, एचपी का मतलब क्या है, एक एचपी में कितने वाट होते हैं। इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल आसान और सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। मोटर के ऊपर एचपी क्यों लिखा हुआ होता है, इसको समझने से पहले एचपी का पूरा नाम पता होना जरूरी है। एचपी का पूरा नाम फोर्स पावर है। फोर्स को हिंदी में घोड़ा कहते हैं, पावर को हिंदी में ताकत कहते हैं। अपने दिमाग में एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि बात मोटर की हो रही है तो घोड़े की ताकत से क्या लेना देना है। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम जेम्स वाट था। उन्होंने 1767 में एक स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। वह स्टीम इंजन भाप से चलता था, लेकिन उस स्टीम इंजन की ताकत कितने हैं यह पता करना मुश्किल था। तब जेम्स वाट नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने उस स्टीम इंजन की ताकत को पता करने के लिए घोड़ों का प्रयोग किया और उन घोड़ों के द्वारा जमीन के ऊपर से वजन उठवाया गया और सभी घोड़ों ने मिलकर उस वजन को 1 सेकेंड में 1 मीटर तक उठाया था और सभी घोड़ों में से अलग अलग घोड़ों का एवरेज निकाला तो एक घोड़े का एवरेज 75 किलो आया। एक घोड़े ने 75 किलो वजन जमीन के ऊपर से 1 सेकेंड में 1 मीटर तक उठाया था। एक घोड़े ने पूरा 75 किलो वजन जमीन के ऊपर से 1 सेकेंड में 1 मीटर तक नहीं उठाया था। एक घोड़े ने लगभग 74.6 किलोग्राम वजन 1 सेकेंड में 1 मीटर तक उठाया था। और जो एक घोड़े ने 1 सेकेंड में 1 मीटर तक जो वजन उठाया 74.6 किलोग्राम, और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल का मान 9.8 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 747 आए। उस 747 के पीछे वाट लगा दिया। उस दिन से उस स्टीम इंजन की पावर का एवरेज निकाला और जो 1 HP की मोटर होती है उस मोटर की पावर का एवरेज निकाला और 1 HP में 747 वाट होते हैं और 2 HP में 1492 वाट होते हैं और 1 किलो वाट में 1000 वाट होते हैं। और 2 HP की मोटर होती है, वह 2 HP की मोटर लगभग 1.5 किलो वाट की होती है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि मोटर के ऊपर HP क्यों लिखा हुआ होता है और HP का मतलब क्या होता है, एक HP में कितने वाट होते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।